हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका ड्रीम है, जो चाहते हैं कि डिफेंस के सेक्टर में जाके अपनी कंट्री को सर्व करें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है ना, उसके ऊपर। एफकेट के थ्रू ना पर ईयर ये 2 times आपकी वैकेंसी आती है, तो इस साल की ये 2nd time की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है फ्रेंड्स कि इंडियन एयरफोर्स में वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है, एफकेट के थ्रू ये वैकेंसीज कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एफकेट जो है होता क्या है। एफकेट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। सो इसके थ्रू आपको टोटल जो पोस्ट आपको यहाँ पर वैकेंसी आई है 327 सीट्स के लिए आई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, टेक्निकल है, फ्लाइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह। तो हम लोग जिस पोस्ट के ऊपर बात करेंगे वो है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसमें जो भी सिंपल जिनके पास एजुकेशन है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि किन किन पोस्ट पर आई है रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट आपका है एडमिन के लिए, 2nd है लॉजिस्टिक्स, 3rd है आपका अकाउंट्स। अगर एडमिन में देखें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 44 सीट्स है, फीमेल्स के लिए 6 सीट है एंड ओवरऑल 50 सीट आपका एडमिन के थ्रू आपका यहाँ पर वेकेंट सीट को फुलफिल किया जाएगा। लॉजिस्टिक के लिए मेल कैंडिडेट का 11 सीट, फीमेल का 2 सीट्स, ओवरऑल 13 सीट्स पे वैकेंसी आई है। अकाउंट्स के लिए भी मेल का 11, फीमेल का 2 सीट एंड टोटल आपका यहाँ पर ओवरऑल 13 हो जाएगा। सो देख सकते हो आप यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में कि ये इतनी पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपका जो ये फॉर्म है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1st of December से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पर है 30 December 2023। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म अप्लाई कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर्म के फ़ी की अगर बात करें तो ओवरऑल सभी कैंडिडेट से ₹550 लिया जाएगा यहाँ पे फॉर्म फीस। और एज लिमिट जो है फ्रेंड्स आपका कैलकुलेट होगा एज ऑन 1st January 2025। वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में ये मेंशन किया गया डेट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम एज 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 26 इयर्स होना चाहिए। मतलब कि 20 से लेके 26 साल के जो भी कैंडिडेट है सब एलिजिबल रहने वाले हैं। अब जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 पोस्ट है, तो ये दोनों आपका समझो एक ही पोस्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक का और अकाउंट्स का अलग एलिजिबिलिटी हुआ। तो मैं बता देती हूँ दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एट फर्स्ट जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करेंगे। डजंट मैटर कि उनका साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अगर ग्रेजुएशन किया है मिनिमम 60% उनके पास है, सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के थ्रू ये वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाएगी, तो इसमें आपको एग्जाम तो देना ही है, साथ ही साथ फिजिकल क्राइटेरिया भी आपको पास करना होगा। तो फिजिकल में बस सिंपली आपका हाइट का मेजरमेंट होता है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए। तो आइए अब अपने 2nd पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। 2nd पोस्ट जो है आपका वो अकाउंट्स का है और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए इंडिया के वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कॉमर्स वाले स्टूडेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें भी कॉमर्स में मिनिमम 60% होना चाहिए। और जैसा आपको बताया है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हाइट की मेजरमेंट होगी, मेल्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर
आपके हाइट की रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस इज द आपका जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो हो गया. तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या इलिजिबिलिटी है. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी. तो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर टू स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन सीवीटी, विच मीन्स कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसको क्वालिफाई करोगे, देन आपका क्या होता है, AFSB टेस्ट होता है, मतलब एयर फोर्स सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको बुलाया जाता है. 5 डेज उसमें आपको वहां पर स्टे करना है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं. जैसा आपका हाइट का मेजरमेंट बोला ना, तो फिजिकल भी वही होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेडिकल होगा, सबसे लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है. उसके बाद आपको, मतलब 5 डेज के बाद आप आ सकते हो, फिर आपका मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगा. उस जो आपने टेस्ट दिया AFSB, उसमें क्या मार्क्स है उसके बेसिस पर, और आपका ऑनलाइन एग्जाम, दोनों को कंबाइन करके जो स्कोरिंग आएगी आपकी, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी. सो ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम जो देंगे तो उसका पैटर्न क्या रहेगा. तो आपके एग्जाम में होगी फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे 300 मार्क्स के लिए. यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का है, विच मीन्स कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेंगे. टाइम की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा 3 आवर्स का. निगेटिव मार्किंग भी है, तो बी अवेयर, तैयारी अच्छे से करनी है ताकि वहां पर आप कोई गलती करके ना आ जाओ. निगेटिव मार्किंग आपका 1 मार्क रहेगा. तो आइए अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा. सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब कि सामान्य अध्ययन के, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए. वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए. न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए. रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स के लिए. सो दिस इज आपका ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न. एग्जाम पैटर्न भी आप समझ गए होंगे. AFSB टेस्ट के बारे में वैसे तो मैंने आपको थॉरो आउट बता दिया है, पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें डिटेल वे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आपको मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे. आप वहां पे डाउनलोड करो और अच्छे से थॉरो आउट रीड कर लेना. रही बात की एग्जाम की सेंटर कहाँ होगी, तो आप जो अपने नियर बाई सिटी में चूज करोगे ना, वहां पे आपको एग्जाम देने जाना होगा. सेंटर्स भी क्लियरली आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए किस स्टेट में कहाँ पर आपको एग्जाम की सेंटर रहेगी, और सर्व आपको वहीं पे करना पड़ेगा जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एलोकेट किया जाएगा, विच मीन्स कि ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी सर्व करना पड़ सकता है. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो सैलरी क्या मिलेगी, जिससे आपको मोटिवेशन आएगा कि आप मन लगा के अच्छे से अपनी तैयारी को करोगे, स्पीड बूस्ट करोगे. तो आपकी जो सैलरी होती है ना फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो तो 56,100 रुपीज की सैलरी होती है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पर 56,100 रुपए की सैलरी है. बाद में आपको पर ईयर की इंक्रीमेंट आपको जो होगा ना, सैलरी हर साल बढ़ती है, इसमें अच्छा खासा पर्स अलाउंसेस भी है, छुट्टी वगैरह सब कुछ के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, और आपका सैलरी इंक्रीज होके ना 1,77,500 रुपीज हो जाएगी, मतलब कि आपको 2 लाख के करीब बाद में सैलरी हो जाएगी. तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अच्छे से देखो, जो प्रीवियस ईयर के सेट है वो बनाओ, अपकमिंग बहुत सारे मॉडल पेपर्स वगैरह भी होते हैं वो सब आप एक बार बनाओ, देखो कहाँ पर चूक हो रही है, उस पर वर्क करो और अपना एक सीट को आप अचीव कर लो. एंड आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है इंडियन एयरफोर्स वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे. कहीं पर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्वेरीज वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में पूछो. अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा. तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सब पे आप मुझे फॉलो कर लेना. उनको फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से जाके फॉलो कर लो. और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए. तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर.